आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार हर साल की तरह इस साल भी जश्न और उत्साह के साथ महोत्सव का आयोजन विधानसभा के सामने कर रही है। जहां एक ओर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे, तो वहीं देश के गौरव सेना की झांकियां, नृत्य संगीत, लोकगीत और अलग अलग कलाकृतियों की झांकियां विधानसभा के सामने आपको देखने को मिलेंगी। बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था समेत सभी तरह की व्यवस्थाओं का खुद मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र और ACS होम अवनीश अवस्थी निरीक्षण कर रहे हैं। बता दें कि 15 अगस्त को आज़ादी के इस अमृत महोत्सव में 8,000 से अधिक दर्शकों के बैठने के लिए भी सुगम व्यवस्था की गई है। और वहीं बुंदेलखंड से आए कलाकारों ने इस महोत्सव का हिस्सा बनने पर गौरवशाली होने की बात भी कही है। हिंदुस्तान आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है और राजधानी में भी विधानसभा के सामने आज हर साल की तरह आयोजन किया जा रहा है। हमारे साथ सूर्यपाल गंगवार, DM लखनऊ मौजूद है। सर, तैयारियों को लेकर क्या तस्दीक की गई? इस वर्ष लखनऊ के लिए ये बहुत ही गौरव का विषय है कि हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और यहाँ पर 15 अगस्त को होने वाले ध्वजारोहण की तैयारियाँ की जा रही हैं। इस समय लगभग तैयारियाँ पूर्ण हो गई हैं। आज यहाँ पर दूसरा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का रिहर्सल था, कल भी हुआ था, आज भी रिहर्सल हुआ है। लोगों ने बड़े उत्साह और उमंग के साथ में इस रिहर्सल में हिस्सा लिया है और कल इस कार्यक्रम को बहुत बृहद स्केल पर आयोजन किया जा रहा है। लगभग 8,000 से 10,000 लोगों के आने की उम्मीद है और उसी की व्यवस्था यहां पर की गई है। सुबह 9 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा विधान भवन के सम्मुख बने इस स्थल पर ध्वजारोहण किया जाएगा और उस ध्वजारोहण के बाद फिर राष्ट्रगान होगा। राष्ट्रगान की धुन यहाँ लगभग सभी चौराहों पर जहाँ PA सिस्टम्स मौजूद हैं वहाँ पर बजेगी, सब जगह साइमल्टेनियसली। और ये अनुरोध किया गया है लखनऊ की पब्लिक से भी कि जब ये धुन बजेगी तो आप जहाँ पर भी हैं वहाँ खड़े होकर राष्ट्रगान के लिए श्रद्धा और सम्मान अर्पित करेंगे। सावधान की मुद्रा में खड़े होकर राष्ट्रगान की धुन के समय सभी लोग उसका सम्मान करेंगे। तो जैसा कि आपने बताया 8,000 लोगों के यहाँ पे सम्मिलित होने की संभावना है, देखा गया कि हर साल की तरह इस बार दर्शक दीर्घा को थोड़ा सा और व्यवस्थित और सुदृढ़ किया गया ताकि जो लोग दर्शक दीर्घा में जो बैठे उन्हें किसी प्रकार की व्यवस्था ना, धूप ना देखनी पड़े, बरसात ना देखनी पड़े। जिस तरह से मौसम का प्रिडिक्शन है उसके अनुसार तैयारियाँ की गई हैं। मंच पर और दर्शक दीर्घा में वाटर प्रूफ टेंट लगाया गया है जिससे कि बारिश अगर होती भी है तो बहुत ज़्यादा असुविधा दर्शकों को ना हो। कुल कार्यक्रम 75 मिनट का होगा जिसमें ध्वजारोहण से लेकर लास्ट में बैलून्स के छोड़ने तक का जो कार्यक्रम है वो टोटल 75 मिनट का होगा और इस दौरान किसी भी तरह से मान लीजिए अगर बारिश भी होती है तो उसकी भी हमारी तैयारियां हैं जिससे कार्यक्रम में कोई विघ्न बाधा ना पड़े। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो कल तैयारियों को लेकर व्यवस्थाओं को सुदृढ़ मजबूत किया जा रहा है। मुख्य सचिव ने अभी यहाँ दौरा करके निरीक्षण किया है, चीज़ों को तस्दीक किया कि कल जो आयोजन किया जाएगा 15 अगस्त का उसमें किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था देखने को ना मिले। कैमरासन रोहित के साथ मैं NK तिवारी, नेटवर्क 10 लखनऊ। आज़ादी का जश्न हिंदुस्तान उत्तर प्रदेश 15 अगस्त यानी कि कल मनाने जा रहा है। राजधानी में हर साल की तरह इस साल भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। भव्य रैलियों की जो सजावट है वो की जा रही है। कल यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधानसभा के सामने से राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे, उसको लेकर तैयारियों को पूरी तरह से पुख्ता किया जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो हर एक कोने में, हर एक चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। लखनऊ कमिश्नरेट का जो पुलिस बल है वो भी लगातार मुस्तैदी के साथ हर एक कोने की तस्दीक कर रहा है कि किसी प्रकार के कहीं से भी कोई चूक देखने को ना मिले। हालांकि तैयारियों की अगर बात की जाए तो जिला प्रशासन हो या नगर निगम हो, तमाम वो विभाग, तमाम वो सरकारी विभाग जिनके ऊपर जिम्मेदारी है व्यवस्थाओं को चाक चौबंद रखने की, उनके ऊपर जो जिम्मेदारी है उसका निर्वहन लगातार विभाग के जो कर्मचारी हैं वो करते नजर आ रहे हैं और उसकी तस्दीक खुद विभाग के जो अधिकारी हैं वो कर रहे हैं। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा भी अभी कुछ देर पहले आकर यहाँ निरीक्षण कर चुके हैं। कल जो रैलियाँ कुछ झांकियाँ निकलेंगी उसमें आप देख रहे हैं कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले कुछ लोग हैं जिनसे हम बात भी करेंगे। आप लोग कल क्या कुछ करने वाले हैं? नमस्कार, हम नवरस बुंदेली लोक कला समिति से बुंदेलखंड से और हम सभी आला गायन की प्रस्तुति यहाँ देने वाले हैं।
तो जैसा कि आपने बताया कि बुंदेलखंड का इन्होंने नाम लिया और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का केंद्र बिंदु कहीं ना कहीं बुंदेलखंड है। बुंदेलखंड को लगातार आगे बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही, नए नए आयाम नए नए कयास निकाल कर ला रही है ताकि बुंदेलखंड को और विकसित और आगे ले जाया जाए। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी तक की जो सरकारें आई उनमें बुंदेलखंड को पिछड़ा, अभावग्रस्त, सूखाग्रस्त, अनपढ़ आदि आदि शब्दों से संबोधित किया जाता था, लेकिन वर्तमान परिदृश्य में जो हम देखें तो बुंदेलखंड में एक्सप्रेस वे हैं, बुंदेलखंड में स्वरोजगार हैं, बुंदेलखंड के हम लोक कलाकार इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में ये सौभाग्यशाली हैं कि हम इस अमृत महोत्सव के ऐतिहासिक क्षण में अपने आला गायन की प्रस्तुति देने वाले हैं। तो बुंदेलखंड का आला वैसे ही बहुत मशहूर है और कल जब इसको मंच से जब सुना जाएगा, जब तमाम 125 करोड़ देशवासी जब उसको सुनेंगे तो यकीनन तौर पर एक अलौकिक छवि बनती नजर आई पूरे हिंदुस्तान में, पूरे उत्तर प्रदेश में। आप देख रहे हैं तस्वीरों में और भी तमाम यहाँ पे कलाकार हैं जो कल अपनी कला अपनी यहाँ पर दिखाएंगे। कल हर साल की तरह उत्तर प्रदेश में जश्न का आयोजन किया जा रहा है और तमाम वो लोग अलग अलग जगहों से इकट्ठा हो रहे हैं, राजधानी की तरफ रुख हो रहा है और कल जो जश्न होगा वो यकीनन तौर पर देखने वाला होगा। हम और भी लोगों से बात करेंगे, कल क्या प्रस्तुत करने वाले हैं आप लोग? आप देख रहे हैं यहाँ पे तमाम कलाकार बुंदेलखंड से आए हुए हैं, तमाम कलाकार अन्य अन्य जगहों से आ रहे हैं, इनसे ही बात करेंगे। कहाँ से आप लोग आए हैं और क्या कुछ कल प्रस्तुत करने वाले हैं? मैं ललितपुर से आई हूँ और मैं अपना बुंदेली लोक नृत्य राई प्रस्तुत करने वाली हूँ कल। आपके साथ कितने लोग हैं? मैं 12 लोगों की टीम लेके आई हूँ। पहली बार आप इस आयोजन में शामिल हो रहे हैं? इसके पहले भी कई बार आ चुकी हूँ, इसके पहले भी कई बार आ चुकी हूँ, लेकिन इतना ये जो 75वां वर्षगांठ का आयोजन किया जा रहा है तो इसमें ज़्यादा मजा आ रहा है। हर साल जश्न होता था, हर साल आयोजन होता था, लेकिन जो उत्साह था, जो उल्लास था, जो हर्ष था वो देखने को नहीं मिलता था। इस बार कुछ विशेष है क्योंकि आज़ादी का 75वां वर्षगांठ है, क्या कहेंगे? इसमें हमें बहुत मज़ा आ रहा है, जो हर बार हम लोग करते थे, हर साल हम लोगों का जो होता था उससे कहीं ज़्यादा इसमें एनर्जी है हम लोगों के डांस में, और इसमें काफ़ी ज़्यादा हम लोग खुश हैं कि 75वीं वर्षगांठ के इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में हम लोग सम्मिलित हो रहे हैं। हमारी इतनी अच्छी किस्मत, इतना अच्छा सौभाग्य कि हम लोगों को ये मौका मिला कि हम इसमें आ सके हैं। तो जिस बुंदेलखंड को एक समय में लोग पिछड़ा कहते थे, जिस बुंदेलखंड को कहा जाता था कि वहाँ पर अशिक्षित लोग रहते हैं, आज वही बुंदेलखंड आगे जा रहा है, आज उसी बुंदेलखंड में एक्सप्रेसवे बन रहा है, आज उसी बुंदेलखंड के कलाकार राजधानी की तरफ आ रहे हैं, आज उसी बुंदेलखंड के कलाकार कल अपना प्रदर्शन करेंगे और यकीनन तौर पर जिस तरह से सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार प्रयास है रत हैं कि बुंदेलखंड को और विकसित और सुदृढ़ और आगे लेकर जाए उसकी छवि कल यकीनन तौर पर इस रैली में, इस झांकी में देखने को मिलेगी। कैमरा पर्सन रोहित के साथ मैं अनिकेत तिवारी, नेटवर्क 10, लखनऊ। शून्य से शिखर तक का हिंदुस्तान का सफर यानी कि 75वीं वर्षगांठ आज़ादी की हिंदुस्तान मनाने जा रहा है और उत्तर प्रदेश में भी तैयारियों को पुख्ता कर लिया गया है। राजधानी लखनऊ में हर साल की तरह इस साल भी जश्न का आयोजन किया जा रहा है। आप देख रहे हैं पंडाल सजा दिया गया है विधानसभा के सामने, हर साल की तरह इस साल भी आयोजन किया जा रहा है। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी हर घर तिरंगा यात्रा को पूरे उत्तर प्रदेश में निकाला, उनके जितने भी कैबिनेट के मंत्री थे उन लोगों ने भी लगातार हर घर तिरंगा यात्रा को आगे लेकर गए और अब कल आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पूरा हिंदुस्तान के साथ उत्तर प्रदेश मनाने जा रहा है। आप देख रहे हैं कि ये विधानसभा है और यहाँ पर तैयारियों को पुख्ता कर लिया गया। खुद मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा इस समय पंडाल पर मौजूद हैं और जो तैयारियां हैं उनकी तस्दीक कर रहे हैं कि किसी प्रकार की व्यवस्था कल के आयोजन में ना हो, उसको लेकर जिला अधिकारी सूर्यपाल गंगवार हैं, नगर आयुक्त भी मौजूद हैं, पंडाल में निरीक्षण कर रहे हैं। कुछ देर पहले एसीएस होम भी यहां से होकर गए हुए हैं। लगातार जो तैयारियां हैं उन्हें पुख्ता किया जा रहा है और कल राज्यपाल और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। इस बार का जो आयोजन किया जा रहा है उसमें कई चीज़ों को और वृहद और बढ़ाया गया है। आप देख रहे हैं जो पंडाल लगाया गया है, हर साल ये पंडाल नहीं लगाया जाता था लेकिन इस बार तैयारियों को पुख्ता और किया गया है। पंडाल लगाया गया है ताकि जो भी दर्शक दीर्घा में जो लोग बैठे उन्हें पानी धूप का सामना ना करना पड़े, पंडाल को पूरी तरह से पुख्ता किया गया। अब आगे लेकर चलते हैं हम आपको, आप देख रहे हैं किस तरह से पूरे विधानसभा के आसपास के प्रांगण को भव्य बना दिया गया है, राजधानी की तरह पूरी दुल्हन की तरह राजधानी पूरी सजती हुई नजर आ रही है और आर्मी के जो जवान हैं वो लगातार तैयारियां कर रहे हैं। कल की जो मार्च पर परेड यहां पर निकलने वाली है, हर साल की तरह भव्य परेड वो देखने को मिलेगी। दर्शक दीर्घा में बड़ी संख्या में लोग हर साल इकट्ठा होते हैं और उसको देखते हुए दर्शक दीर्घा की व्यवस्थाओं को भी और सुदृढ़ और मजबूत बनाया गया है। हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरों में कि कल 75वीं वर्षगांठ
हिंदुस्तान के साथ उत्तर प्रदेश मनाने जा रहा है। यकीनन तौर पर ये पूरे हिंदुस्तान के लिए गर्व का विषय है, एक हर्ष का विषय है, और इस हर्ष और उल्लास में किसी प्रकार की कोई कमी या खामी न रह जाए उसको लेकर सारी तैयारियां तस्दीक करते हुए पुख्ता की जा रही हैं। कैमरा पर्सन रोहित के साथ मैं इनके तिवारी, नेटवर्क 10 लखनऊ। शून्य से शिखर तक का हिंदुस्तान के आज़ादी का सफर, आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पूरा हिंदुस्तान मनाने जा रहा है और उत्तर प्रदेश भी उस जश्न में आगे आ रहा है। विधानसभा में हर साल की तरह इस साल भी आयोजन किया जा रहा है कल के जश्न का। तैयारियों को अगर बात की जाए, तैयारियों को पुख्ता तस्दीक करने के लिए खुद मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा, नगर आयुक्त, मंडलायुक्त, DM लखनऊ सुर पाल गंगवार, तमाम जो आला अधिकारी हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारी है प्रदेश को चलाने की, प्रदेश को सुगम व्यवस्था देने की, वो लगातार तस्दीक कर रहे हैं कल के आयोजन की। यकीनन तौर पर हिंदुस्तान का 75वीं वर्षगांठ का ये जश्न का माहौल है और पूरा हिंदुस्तान इसमें सराबोर है। इसको लेकर उत्तर प्रदेश में तैयारियों को पूरी तरह से पुख्ता और मजबूत किया गया है ताकि इस आयोजन को और भव्य और ऐतिहासिक बनाया जाए। हिंदुस्तान के लिए ये जश्न का माहौल एक हर्ष का विषय है। हर साल की तरह उत्तर प्रदेश में विधानसभा के सामने इस परेड का आयोजन किया जाएगा और कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस विधानसभा के सामने से झंडा, हिंदुस्तान का राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और हिंदुस्तान को इस आजादी के जश्न को आगे लेकर जाएंगे। रोहित साथ में इनके तिवारी, नेटवर्क 10 लखनऊ। तो देखिए, जश्न की तैयारी पूरी है, हमारे जवान, पुलिस और साथ ही साथ जो कलाकार हैं जो अपनी प्रस्तुतियां कल देने वाले हैं वो भी रिहर्सल करते हुए नजर आ रहे हैं। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे।